स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, विश्वकर्मा जयंती और ये जो हमारा सप्ताह है, सप्ताह में जितने भी महापर्व हैं उन सभी महापर्वों की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ आपके माध्यम से। और मैं समस्त प्रदेशवासियों से ये आग्रह और प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम सब दीपों के इस पर्व को सुंदरता से, स्वच्छता से मनाएं। नई पहचान और नया आयाम ये स्थापित किया है। हम देश भर में कुछ ऐसे प्रदेशों में शुमार हैं जहाँ स्वच्छता को नंबर एक पर देखा और पहचाना और जाना जाता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार चर्चा की है, अनेकों बार उन्होंने अपने प्रसंग जो है प्रसंग में हरियाणा की स्वच्छता के बात की है। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आह्वान भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि आप इस बार एक दीप एक दिया स्वच्छता के नाम का अवश्य जलाएं और जो गंदगी रूपी राक्षस है उसको भगाने का संकल्प लें। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, संत मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जैसे देश भर में स्वच्छता को प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ इस विषय को आगे बढ़ाया है, वैसे ही हमारे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और आज उसी का परिणाम है कि हरियाणा जो है देश के अनेक जो बड़े राज्य हैं और अच्छे राज्य हैं उनमें स्वच्छता की दृष्टि से भी, अन्य दृष्टि से भी नंबर एक की रैंकिंग पर शुमार है। ये सारा श्रेय जहां हरियाणा की 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ जनता को जाता है, वहीं मनोहर सरकार को भी जाता है कि मनोहर सरकार ने इस विषय की गंभीरता उतनी ही समझी जितनी प्रधानमंत्री जी ने समझी। आज पूरा प्रदेश स्वच्छता के लिए जागरूक है, आज पूरा प्रदेश संकल्पित है कि हम किस प्रकार से अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं और आगे बढ़ाएं।